स्वागत नहीं करोगे हमारा? जितने भी पेरेंट्स और जितने भी आज प्रकेश आज यहाँ उपस्थित हैं, बेस टीम की तरफ से मैं हूँ संतोष टंडन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस यादगार मोमेंट में आप सभी का स्वागत है। पहले अगर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, जितने भी ऑनरेबल गेस्ट आज यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो सोशल वर्कर्स हों, हमारे कुछ दिव्यांग भाई हैं, या फिर मीडिया जगत, या फिर हमारे इंडस्ट्री से, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार फिर इस तरीके तमाम टीम के लिए ताली बजा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। सबसे पहले आज ये सभी ऑनरेबल गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कि आप सभी ने अपना कीमती टाइम निकाला आज के शो के लिए। अलग अलग जगह से, अलग अलग फील्ड से लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। इस मंच से आज हम उन्हें सम्मानित करते हैं। उन लोगों को थोड़ी सी एप्रिसिएशन के साथ साथ हमेशा चाहेंगे कि उनकी मेहनत से हम सभी को प्रेरणा प्राप्त हो, चाहे वो कला जगत में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, मीडिया जगत में हो, या फिर अलग अलग फील्ड के लोग जो आज इस मंच में सम्मानित होंगे। एक बार तालियां राकेश रोशन सर के लिए बजा सकते हैं, जो आज यह मंच आप सभी के लिए एक साथ सजाएंगे। बेसिकली मौसम जगत कई या तो सिर्फ कलाकार होते हैं, या तो सिर्फ सोशलिस्ट होते हैं जहाँ पे समाज में काम करने वाले लोग सम्मानित होते हैं, या फिर आज मीडिया के लिए बहुत सारे मित्र यहाँ उपस्थित हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के ऑनरेबल दो ऐसे मेहमान जो किसी परिचय के मुहताज नहीं, आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनके बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि नारी शक्ति की प्रेरणा है वो, बहुत सारे महिलाओं की जान है वो, हम सब की पहचान है वो, जो हिंदुस्तान की उस बेटी का नाम है प्रोफेसर वीणा हाडा। एक बार वीणा जी के लिए जोर से ताली बजा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन। इनकी एनर्जेटिक जो पॉजिटिविटी है, जब इनके फेस को देखते हैं तो बहुत शक्ति हम सभी को प्राप्त होते हैं। आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर वीणा हाडा जी, डायरेक्टर ऑफ स्टार मीडिया एकेडमी एंड स्टार मीडिया नाउ चैनल से, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ऐसे बहुत सारे नारी हैं जो रसोई से निकलकर समाज के लिए प्रेरणा बनी हैं, उनमें से एक है प्रोफेसर वीणा हाडा जी। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ऐसे लोग समाज को प्रेरित करते रहें, चाहे वो मीडिया में हो या समाज में हो। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नारी शक्ति के लिए पट आगे बचनी चाहिए, क्योंकि अभी 8 तारीख को क्या था, इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो जब महिलाओं की बात करते हैं, वो आज से नहीं सदियों से है, चाहे वो झांसी की रानी की बात करें, या फिर हमारे हिंदुस्तान में जिनकी पूजा करते हैं वो तो नारियां होती है, चाहे लक्ष्मी जी हो, माँ सरस्वती हो, माँ दुर्गा हो, सभी नारी के ही अलग अलग रूप है। हो सकता है वो नया रूप आज के वीणा हाडा जी के रूप में हो। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक और चीफ गेस्ट जो किसी परिचय के मुहताज नहीं, सांसों की सरगम के साथ उनका नाता है, उनके रगों में संगीत ही बहता है, संगीत उनकी खुशबू है, और इसकी रवानगी न कि सिर्फ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाहर भी इनकी आवाज के बहुत सारे दीवाने हैं। हाँ, जब हम जलसे में होते हैं, इनकी गजलों को सुनते हैं और हम अपने इन सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने अच्छे व्यक्ति हैं वो उतने अच्छे शब्दों के साथ खेलते हैं, और हमें लगता है उनकी आवाज दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती है। वो अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, मोर देन 70 कंट्री जिन्होंने वर्ल्ड मैप में विजिट किया है, 70 अलग अलग राष्ट्र में जाकर अपने संगीत की खुशबू को बिखेरे हैं। आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट, जिनकी मधुर आवाज की पूरी दुनिया दीवानी है, प्लीज वेलकम मिस्टर पंकज जसवानी सर। तालियों के साथ ऑनरेबल पंकज जसवानी जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। एक बार राजसुंदरा जी के लिए तालियां बजा सकते हैं। हाँ, वो राजसुंदरा नहीं है जो श्रीमा सिंधी जी की बात सोच रहे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और ये राकेश रोशन वो वाला नहीं है, मेरे जेम लिए है, सभी अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। हम सभी थैंक्स करेंगे आज इंडिया पेस्ट्री ने आज यह मंच सजाया है और हमें यह मौका दिया है आपके बीच उपस्थित होने का। एक बार पुनः मैं आए हुए सभी मेहमानों का, अभी तो सिर्फ दो व्यक्तियों का परिचय हुआ है, आज बहुत सारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस भी रेडी हैं जो आज इस शो में चार चांद लगाने के लिए बच्चे तैयार हैं। हो सके तो एक बार ताली उन बच्चों के लिए बजा सकते हैं जो आपके लिए उपस्थित है। दोस्तों, जिस देश में हम सभी रहते हैं, देश का नाम भारत है, भारत विश्व गुरु था। और आज थोड़े दिन पहले, कुछ ही महीने पहले की घटना है, जहां हिंदुस्तान के सोल्जर्स की निर्मम हत्या कर दी गई, जहां हमारे हिंदुस्तान के 42 सोल्जर्स पुलवामा में शहीद हो गए। हम सभी जिनके वजह से अपने घरों में आराम से सो रहे होते, कभी गर्मी लगते हैं तो हम लोग सोचते हैं यार एसी नहीं चल रहा, एसी ऑन नहीं हुआ चाहिए। घर में अगर सर्दी लग रही हो तो हम लोग रूम हीटर को चेक करके भाई गर्मी
होना चाहिए टेम्परेचर शरीर के अकॉर्डिंग। कभी सोचा है कि हिंदुस्तान की सरहदों की रक्षा करने वाले फौजी भाई जो कि -40 डिग्री सेल्सियस में भी सियाचिन में हिंदुस्तान की सरहदों के लिए बर्फ में भी खड़े रहते हैं अपने आर्म्स के साथ, तो एक बार उनके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। एक बार जोर से बोलेंगे अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। कोई अभिनंदन एवरीबडी नो हिंदुस्तान के रियल हीरो हैं अभिनंदन जिन्होंने, ये तो सिर्फ एक अभिनंदन है, ऐसे न जाने कितने अभिनंदन हैं जो भारत माँ की रक्षा करने के लिए अपनी पत्नी से दूर, अपनी माता से दूर, अपनी बहनों से दूर, बस उस राखी की ताकत होती है या उसकी पत्नी के सुहाग की ताकत होती है, उनकी मामा का आशीर्वाद होता है कि भारत की सरहदों के लिए तैनात रहते हैं अपने परिवार से दूर भारत माँ के लिए। क्यों ना आज की शुरुआत हम सभी उन सभी सोल्जर्स को नमन करके करें और एक मिनट का हम सभी उनको आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके आज इस शुभ घड़ी का आगाज करें तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। यू आर एग्री विद मी एवरीबॉडी? काइंडली स्टैंड अप एवरीबॉडी। और सेना के जवानों को हम सभी नमन करेंगे हमेशा, जो न सर्दी न गर्मी की परवाह करते हैं, भारत माँ की रक्षा के लिए हमारे देश के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। तो पहले पुलवामा में शहीद 42 सोल्जर्स जो अब इस दुनिया में नहीं है और कुछ अभी भी घायल हैं, जीवन की जंग को लड़ रहे हैं, उनकी जिन जो शहीद हो चुके हैं उन सभी शहीदों को नमन। एक मिनट का मौन रख के करते हैं। शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार मित्रों। इससे पहले प्रॉपर सेटल हो जाए, एक रिक्वेस्ट है, हमारे पास कुछ कैंडल्स हैं उनके लिए, उनकी शांति के लिए कुछ कैंडल्स को हम सभी जलाना चाहते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर एनर्जेटिक तरीके से इस पर्व को सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आइए सबसे पहले कैंडल थोड़ी देर में चले, कुछ गेस्ट और भी आ रहे हैं। हाँ कैंडल प्लीज एवरीबॉडी प्लीज टेक द सीट। थैंक यू सर, थैंक यू ऑडियंस आप सभी ने साथ दिया, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू बीना जी आप सभी यहाँ उपस्थित हैं इस पल में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फर्स्ट रो में विराजमान सभी अतिथियों का नमन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, बहुत दूर दूर से सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कुछ मित्रों को मैं पहचानता भी हूँ, मुझे शायद पहली बार मिल रहे हैं, हाउ मेनी पीपल्स जो मुझे जानते हैं पहले से, चलिए और जो पहली बार मिल रहे हैं, माय सेल्फ संतोष टंडन, और लगभग 10-15 साल हो गए हैं लगातार इस प्रोफेशन में, इवेंट प्रोफेशन में मैसेल्फ। हमारा एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है, हम सभी अलग अलग टीवी शोज के लिए हमेशा काम करते हैं और बहुत सारे रियलिटी शोज को मैंने अपनी आवाज़ के साथ, अपनी एंकरिंग के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अभी शुरुआत है, आगे आप सभी ऐसे ही प्यार करते रहें, बहुत दूर तक जाना है। राकेश रोशन जी जिन्होंने इंडिया पेस्ट्री एडवर्टाइजिंग कंपनी बनाई है, इसमें हम न्यू कमर्स को हमेशा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो या आप प्रोफेशनल हो, दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, वो भी हमारी तरह होते हैं, लेकिन उनका अनुभव जब कैमरे के आगे आते हैं तो अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो पता चलता है ये एक्सपीरियंस होल्डर है, और जब हम फ्रेशर जो घर से आते हैं और कैमरे के आगे आते हैं तो थोड़ा सा अंदर से नर्वस होते हैं। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, जब हम पैदा होते हैं सब कुछ यही सीखते हैं, तो आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, नर्वस मत हो, ऐसे लोग हैं जो आपको प्रमोट करते हैं। तो एक बार तालियां राकेश रोशन जी के और इनके टीम के लिए एक बार बजनी चाहिए प्लीज। दिव्यांग सेना की जो अध्यक्ष, हम लोग अक्सर हमेशा ये देखते हैं कि विकलांग, मोदी जी ने उसको दिव्यांग बना दिया, लेकिन बेरोजगार और उसको शिक्षा कौन देगा, उन चीजों के लिए लड़ने वाले हमारे वासुदेव जी हमारे बीच में है, तो मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए तालियां हो जाए, क्योंकि जिन्होंने विकलांग और दिव्यांग की हमेशा संघर्ष किया, लड़ाई किया और आगे लड़ भी गया। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हमारे बहुत ही अच्छे टैलेंटेड परफॉर्मेंस है आप सभी के बीच, और हर पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के लिए यहाँ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स हैं और बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं जो आज अलग अलग फील्ड के मेहमान यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को हम सम्मानित करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं गणेश वंदना के साथ इस शुभ घड़ी का, एक बार तालियां उन बच्चों के लिए बजाएं आपके लिए उपस्थित हैं। फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस इवनिंग, दिस इज गणेश वंदना, हम सभी लॉर्ड गणेशा को याद करते हैं जो आज इस शुभ घड़ी को शुभ बनाएं और आप सभी का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम हो।
अंशिका वर्मा एमटी काइंडली प्लीज कम ऑन द स्टेज एक बार तालियों के साथ इन बच्चों का हौसला अफजाई करें। आप हमारे बीच उपस्थित हैं फर्स्ट परफॉर्मेंस के साथ। दिस इज गणेश वंदना। जो किसी परिचय के मोहताज नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है अपनी डायरेक्शन से बहुत सारे लोगों को इस मंच के काबिल बनाया है। आज हमारे बीच एएम प्रोडक्शन हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं ऑनरेबल आर्यन मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो एक बार तालियां आदरणीय आर्यन मिश्रा जी के लिए बजा सकते हैं। जोरदार तालियां, क्योंकि कुछ लोग अपने काम से जाने जाते हैं और आर्यन जी ने बहुत सारे लोगों को मंच दिया है और आज हम सभी चाहते हैं ऐसे डायरेक्टर जो आज आप सभी के लिए अपना समय निकाला है। आर्यन जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस पल में अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और इस पल को यादगार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज इस मंच के माध्यम से न कि सिर्फ सिनेमा जगत आज हम सभी मीडिया के सभी साथियों को भी वेलकम करेंगे और इसके अलावा बहुत सारे डिसेबल व्यक्ति जिन्हें हमारे देश के पीएम ने दिव्यांग नाम दिया है उन सभी साथियों को इस मंच में उपस्थित होकर उनका परफॉर्मेंस भी देखेंगे और उनके हौसला अफजाई के लिए पेशश्री की तरफ से अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि इस रेपुटेटेड अवार्ड का नाम है दिल्ली गॉड गिफ्टेड रतन अवार्ड 2019। तो एक बार तालियां जितने भी अवार्डी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए दोस्तों आज हम सभी आज का यह शो पुलवामा में शहीद सभी जवान सोल्जर्स को नमन करते हैं, आज उन्हीं को डेडिकेट करते हैं आज का यह शाम और जितने भी ऑनरेबल गेस्ट आज यहाँ उपस्थित हैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आइए कहते हैं कुदरत सभी को कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, या तो उनके अंदर प्रतिभा होती है टैलेंट कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता है। आइए अब एक स्पेशल अवार्डी को बुलाते हैं जो वाकई में कुदरत के करिश्मे के तरह से देख सकते हैं इस मंच पे परफॉर्म करने के लिए इनवाइट करते हैं मिस्टर अमन कुमार को। अमन काइंडली प्लीज कम ऑन द स्टेज। ओह माय गॉड, इनके चेहरे को सलाम कर सकते हैं तालियों के साथ। कुदरत ने सबके हाथों में लकीरें बनाई कि आप क्या किस्मत में करने वाले हो, लेकिन किस्मत उनकी भी है जिनके हाथ कोई हाथ नहीं होता। तो गॉड को हम थैंक्स करेंगे कि इतने अच्छे अच्छे दिव्यांग साथी भी यहाँ उपस्थित हैं। अमन क्या करोगे?
मैं तो बिल्कुल सोचा कुछ गाने वाला होगा अमन, तो आपने गाना सेलेक्ट हो गया। हाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमन अपने सॉन्ग को जल्दी से सबमिट करें और हम सभी आपका डांस देखना चाहते हैं, थोड़ी तालियां बजा सकते हैं। हमारे बहुत सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे हम सभी से परिचय करवाएं। अमन प्लीज अपने सॉन्ग को सबमिट करें। इनके हैंड्स तो नहीं है लेकिन इनका बॉडी, इनकी एनर्जी, इनके जज्बे को हम सभी सलाम करते हैं। आइए अमन, भारत माता की। थैंक यू, शुक्रिया। काश खुशियों की कोई दुकान होती और हमें इसकी पहचान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती और हमें इसकी पहचान होती, भर देते आपकी दामन में खुशियां ही खुशियां, चाहे कीमत हमारी जान होती। एक बार पुनः तालियां अमन के लिए बजा सकते हैं। अभिनंदन। ये तो आसमां था बस सर झुकाए बैठा था। एक बार फिर से तालियां के लिए बजा सकते हैं। बिना मैं एंड पास्कल सर जो आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मंच पर आए। दिस इज रियल गॉड गिफ्टेड टैलेंट। एक बार फिर से तालियां, हमारे अवार्ड को डिफाइन करता है गॉड गिफ्टेड। लोग सुनते हैं गॉड गिफ्टेड अवार्ड हो रखा है लेकिन वाकई में गॉड गिफ्टेड है। आई प्लीज राकेश रोशन जी, क्या थोड़ी तालियां मिल सकती है हमें? थैंक यू। आपकी खूबसूरती की कि मैं क्या मिसाल दूं, जो खुद गुलाब हूं उसे मैं क्या गुलाब दूं। तो एक बार तालियां पंकज जेसवानी जी के लिए, वर्ल्ड फेमस भजन सिंगर जो हमेशा अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। दोस्तों हो जाए हाजरीन, सबसे पहले तो संतोष चंदन इतना सुंदर और सच्चे दिल का इंसान है, तालियां तो उसके लिए होनी चाहिए जोरदार। तो सबको सम्मान देते हैं, खुद मंच के पीछे कार्य करते रहते हैं और पता नहीं कितने शोज किए उन्होंने, मेरे सामने से कई शो कर लिए हैं। तो इसकी जो एक वकबदरी है, जो सोच है किसी भी चौपर के बोलने की, बहुत ही अच्छी इसकी पकड़ भी है
मैं इससे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ और आई रियली अप्रिशिएट दिस जज्बा ऑफ प्रेजेंटिंग द एनी पर्सन एनी आर्टिस्ट को तालियां इनके लिए बनती हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो अजनबी, कैसे अजनबी तुम हो और मैं जमीन पर घना अंधेरा हूँ। रोशन जी, उसका तो नाम भी रोशन है, एक राकेश एक रोशन। तो ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो अजनबी, कैसे अजनबी तुम हो, मैं जमीन पर घना अंधेरा हूँ, मैं जमीन पर घना अंधेरा हूँ, आसमानों की चांदनी तुम हो, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो। थैंक यू सर, एक बार बंदा जसवानी जी के लिए जोरदार तालियां। आइए शुभकामनाओं के साथ आज के हमारे अगले सेलिब्रिटी गेस्ट हैं अपूर्व ओम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली प्लीज कम टू द स्टेज अपूर्व ओम। अभी हमारे साथ हैं अपूर्व ओम, एक बार तालियां अपूर्व ओम के लिए बजा सकते हैं। सर्वधर्म टीवी चैनल जो कि 15 मार्च को हमारे इस शो को टेलीकास्ट करेगा, एक बार तालियां बजनी चाहिए। और इसके अलावा अब वेकअप इंडिया न्यूज को पे आप इस शो को देख पाएंगे। इंडियाज बिगेस्ट टीवी अवार्ड शो, दिस इज डेली गॉड टेम्परेट रतन अवार्ड 2019 ऑर्गेनाइज बाय इंडिया पेज थ्री फिल्म एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन एंड एसोसिएशन विद वेरी टैलेंटेड मिस्टर आर्यन मिश्रा ए एम प्रोडक्शन। तो हम सभी थैंक्स करेंगे कि आज बहुत सारे मेहमान अलग अलग क्षेत्र से यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और स्वागत। राजकुंद्रा जी का भी थैंक्स। बहुत सारे लोग पीछे तैयार हैं अपनी बातों में सिर्फ करिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। छोटी बच्ची बड़ा धमाल करने के लिए आए, एक नन्हे तन्वी के लिए तालियां बजा सकते हैं। I am a boy. I am a boy.
अच्छा लोग लगे। वाह बोल रहे बच्चे, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा लगा। तब भी ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाना, ठीक है? चलो गॉड ब्लेस यू, एक बार ताली इनके लिए बजा सकते हैं? थैंक यू बेटा, प्लीज। मैत्री न्यूज से हमारे साथ ही उपस्थित हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हेमा सक्सेना जी हमारे बीच संगम कला ग्रुप से उपस्थित है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। करता हूँ एक बार टैलेंट के लिए, बहुत अच्छे मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे एंकरिंग भी करती हैं, बहुत अच्छी गाती भी हैं। तो थैंक यू हेमा जी, थैंक्स फॉर कमिंग। हम सभी थैंक्स करेंगे आदित्य मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे सभी कलाकार जो अलग अलग चाहे टीवी या फिल्म से यहाँ उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक एक करके ऑफिशियल आप सभी का मैं परिचय कराऊंगा और उन सभी को सम्मानित करूंगा इस मंच के माध्यम से। और मैं निवेदन करूंगा जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, आज का यह शो पुलवामा के शहीद हम सभी हिंदुस्तान के सोल्जर्स को समर्पित कर रहे हैं। आज का ये शो को ऑर्गेनाइज किया है इंडिया बेस्ड फिल्म एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन ने। हम सभी थैंक्स करेंगे कि मेहमानों के कड़े में आज रोशन सेफ हमारे बीच उपस्थित हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बात अगर डॉक्टर की हो रही तो हमारे बीच में डॉक्टर अशोक कुमार जी भी हैं, जो कि मैक्स और अपोलो के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। थैंक यू डॉक्टर अशोक फॉर कमिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत। HS Hemdom हेल्थ केयर से हमारे बीच उपस्थित हैं मिस्टर निर्भय चौधरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। चलिए दोस्तों, आज हम सभी इस पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे को होस्ट के रूप में हमारे बहुत अच्छे दोस्त आयुष हैं। मैं चाहूँगा आयुष, आज ये जो मौका है इंडिया का ये जो सबसे बड़ा बिगेस्ट टीवी अवार्ड शो जिसका नाम ही रखा है डेली गॉड गिफ्टेड रतन अवार्ड, तो मैं चाहूँगा कुछ आपकी भी वक्तव्य हो जाए इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मैं हिंदी विधा का व्यक्ति हूँ और हिंदी विधा का संचालक भी हूँ, क्योंकि भारत का प्रहरी हूँ, इस वजह से हिंदी मेरी भाषा है और उसी हिंदी के साथ संचालन मेरा गुण है। आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम दिल्ली गॉड गिफ्ट अवार्ड में आप सभी का सबसे पहले मैं, क्योंकि अभी सबसे प्रथम पंक्ति पर मैंने ये माइक पकड़ा है, इस वजह से मैं अपनी तरफ से आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन अभिवादन अभिषेचन अभिवर्धन करता हूँ अपने हृदय के उन अभिन्न भावों से जिनमें मैंने वो पुष्प अर्जित किए थे, जिनमें मैंने वो पुष्प पिरोए थे, जो आपकी उपस्थिति और आपकी दर्शक दीर्घा में उत्साह और ऊर्जा से प्रतिबिंब पा करके मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, जो आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन। गॉड गिफ्ट वो नगमा है, वो स्वरूप है, वो तरीका है, वो तरीका है जो हमारे अंदर वो ईश्वर वो अल्लाह हमारे अंदर पिरो करके भेजता है। क्योंकि जिंदगी में दो चीज़ है, एक हुनर दूसरा शौक। यूँ कहते हैं कि हुनर तो इंसान लेकर आता है और शौक इंसान खुद पालता है, इसी धरती पर पालता है। तो हुनर से ये जिंदगी बनती है और शौक से जिंदगी चलाई जाती है। तो उसी हुनर से निकल करके शौक के गलियारे में, जिसमें जिंदगी के हर तरनू में, जिसमें जिंदगी के हर एहसास में वो वक्त को भिरो करके और इसी वक्त के साथ इस जिंदगी को देखा है, आज ऐसी जिंदगी में आप सभी का इस अवार्ड शो में इस खूबसूरत अभिनंदन समारोह में बहुत स्वागत है। थैंक यू आयुष, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने हिंदी के शब्दों के साथ हमारे मस्तिष्क की सारी लकीरों को एक बार फिर से जगा दिया। हम सभी लगा कि वाकई में हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उन आवाज़ उन शब्दों के साथ आज यहाँ उपस्थित है। मेहमानों की कड़ी में लक्की के सब्जी नटराज क्लब के प्रेसिडेंट यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। लक्की जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज जी यहाँ उपस्थित है, बहुत अच्छे हमारे ऑर्गेनाइजर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत आपके अपकमिंग फैशन शो के लिए। अरोड़ा जी यहाँ उपस्थित है मैत्री चैनल से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आइए दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन को बुलाते हैं। देखो देखो ऐसा बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो ऐसा बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी।
First of all, a very warm welcome to everyone. And जो मेरा पहला song है, वो जो इस show की theme है, जो हमारे भारतीय सैनिक जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जो शहीद होते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें, वो अपनी सरहदों पे, हमारी सरहदों पे वो पहरा देते हैं ताकि हम चैन से सो सकें। में समर्पित उन सभी शहीदों को देश से है प्यार तो हर पल Thank you.
यार एक मैशअप बनाया है एंड आशा करता हूँ होप यू विल एंजॉय। और इसमें मेरा साथ देंगे मेरे बाकी के बैंडमेट जसप्रीत सिंह एंड जसकरण। हेलो एवरीवन, I'm gonna make it.
कुछ मेहमान यहाँ उपस्थित हैं, हिंदेश जी, जॉनी जी, डॉक्टर अशोक जी, शंकर दास जो कि बंगाली सोसाइटी से हैं, ALS फिल्म प्रोडक्शन से हैं, जय यादव जी, और इसके अलावा सुनील पारचा जी, वासुदेव बादल जी तथा प्रिया एवं सतीश जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन जो आज यहाँ उपस्थित हैं। इस मंच की गरिमा बढ़ाने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, तो प्लीज वेलकम निशा, ताने एक बार जोर से बजाएं प्लीज। आप सभी से रिक्वेस्ट,